दुनिया तो मुझे समझ रही है लेकिन मुझे अपने नहीं समझते, मेरे अपने आसपास के लोग मुझे समझते नहीं हैं। और कीचड़ और कमल का एग्जाम्पल दुनिया इस्तेमाल करती है, लेकिन जब मैंने जो हमारे दार्शनिक और गुरु ओशो हैं उनका सेंटेंस सुना, उसके बाद मुझे एक बात और गहराई से समझ में आई। उन्होंने कहा, जिस दिन कमल को समझ जाओगे उस दिन कीचड़ को कोसना बंद कर दोगे। यानी कमल को फलने फूलने और पोषण के लिए कीचड़ की ही आवश्यकता है। रनिंग वाटर में हमने नहीं देखा कहीं पर भी कमल को पैदा हुए, तो कमल के लिए कीचड़ ही जरूरी है, कीचड़ ही उसका पोषण है। लेकिन उसकी क्वालिटी ये है कि कीचड़ में रहने के बाद भी वो कीचड़ का कोई भी इम्पैक्ट अपने ऊपर आने नहीं देता, इस तरह से अपने आप को डेवलप करता है। इसीलिए वो पूजनीय भी है और ईश्वर के चरणों में चढ़ाया भी जाता है।